अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो लेकर आई हूँ एक अच्छा सा मज़ेदार सा व्लॉग, जो कि मिक्स व्लॉग है। आगे आप लोग को सब पता चलेगा। फ्राइडे का दिन है, यहाँ मैंने जुमे की नमाज़ भी पढ़ी और कुरान पाक मेरा दूसरा पारा ही हुआ है, क्योंकि नहीं पढ़ पा रही, बहुत मुश्किल हो रही है छोटे बच्चों के साथ, जो है ना घर के काम भी होते हैं और मैं एक अकेली जान बेचारी, तो बस इसलिए मुश्किल हो रही है। लेकिन यह है कि मैं फजर की नमाज़ के बाद जो है सूरह मुल्क, सूरह वाकिया और सूरह रहमान की ज़रूर ज़रूर पढ़ लेती हूँ, यासीन शरीफ भी पढ़ लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो कुरान पाक मेरा ख़त्म नहीं हो, लेकिन मैं तिलावत ज़रूर करूँ। तो माशाल्लाह से मैं यहाँ पढ़ रही थी, तो रूहान भी जो है वज़ू करके आया और उसने भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ी कि मम्मा मैं भी पढ़ता हूँ। मैंने कहा ठीक है। आरएस के ख़त्म हुए थे एग्ज़ाम, तो वो नमाज़ पढ़ के सो चुका था और अयाना ने भी यहाँ पे जो है नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। बच्चों को जो है रमज़ान में एक अलग ही शौक़ होता है कि हम भी इबादत करें, हम भी नमाज़ पढ़ें, हम भी रोज़ा रखें। रोज़े का तो बहुत ही शौक़ होता है। तो यहाँ पर जो है अयाना और हरीम को दोनों को मुझे शावर देना था गैस की वजह से, कि गैस 4 बजे आती है, उनका पानी वगैरह गर्म होने में मसला होता है, तो हमेशा ही बच्चियाँ लेट ही हो जाती हैं शावर लेने में आजकल। और अच्छा हुआ कि अब वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ी गर्मी आ रही है, तो अब ये बेहतर होगा कि हमारे लिए ये कि पानी नहीं गर्म करना पड़ेगा, बस जाएँ और जाके शावर ले आ जाएँ। तो यहाँ अयाना ने अपनी ऑयलिंग की और अपने साथ साथ जो है हरीम को भी शौक़ हो गया मसाज करवाने का, तो हरीम भी अपना मसाज करवाने में लगी रहती है। अब माशाल्लाह से इसको बहुत सुकून से बैठ के ऑयलिंग करवाती है ये। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है फ्राइडे का दिन है, मेरी नन ज़रूर आती है, तो मतलब उसका आज हमारे साथ पहला रोज़ा अफ्तार होना था, तो वो आ चुकी थी। और उसके बाद जो है मुझे आज ही अम्मी के घर भी जाना था, तो इसमें मेरे घर के अफ्तारी भी है और अम्मी के घर की भी अफ्तारी आप लोग को आगे जाके दिखेगी। फ्राइडे टू संडे तक का व्लॉग है, 3 दिन में मैंने एक व्लॉग कंप्लीट किया है। तो जब हमने रोज़ा अफ्तार किया तो बच्चे जो है चाय वगैरह हम पी रहे थे, वहाँ बच्चे अपना इंजॉयमेंट कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे, तो आके देखा परीसा और हरीम ने तो पूरा ड्राइंग रूम में पत्थर ही पत्थर, और हर जगह जो है मैंने गमले में भर के रखे थे पत्थर, तो उसमें जो है उन लोगों ने की नज़र पड़ गई और मचानी शुरू कर दी तबाही। तो दोनों बहनों ने मिलके करी तबाही, और उसके बाद बोल रहे हैं कि वो बोल रही है परीक्षा और वो बोल रही है हरीम, दोनों तोतलाहट में जो है एक दूसरे का नाम ले रही थी। तो बस सारे बच्चों ने मिलके की यहाँ पे सफाई, और सफाई करने के बाद जो है फिर मैंने बस ये काम ख़त्म करने के बाद फ़ौरन मैंने पैकिंग की, क्योंकि 9 बज चुके थे। पैकिंग करते करते मुझे इतना टाइम हो गया था, तो मेरी बहन भी आ गई थी, वो और मैं हमेशा साथ जाते हैं अम्मी के घर रुकने के लिए। 1 बजे हम जाके पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। गैस आई, आ गई, आ गई गैस। ताली बजाओ, ताली बजाओ, गैस आ गई। चलो भाई, गैस का इंतजार हो रहा था, फाइनल गैस आ गई। इतना बड़ा तीली रख के खाना पक रहा है अम्मी। अब तीलियों से खाना पकेगा, अम्मी की निहारी पकी तीली पर। आ गई भाई, आ गई, क्या सब आ गई, रवान के जाते ही आ गई। देखा पूरे 3:30 बजे आएगी, 3:30 बजे रहे। हाँ, यहाँ अम्मी तैयारी करी सहरी की, पराठे के पेड़े बना के रख दिए माशाल्लाह, रोटी पराठे। आरिस तुम्हारा कौन सा पराठा बन रहा है? आरिस बनवा रहा है अपनी फरमाइश पे चीनी वाला, नन्ना से मेरा चीनी वाला पराठा। दो पराठे खाओगे? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बड़े बच्चे हैं। अच्छा भाई, गर्म पानी करके डालूंगी हैं, गर्म पानी करके डालूंगी। नन्ना होगी शायद, मैं सही बोल रही हूँ, थक गई नन्ना। चले जी, अब बुन रहा है आटा निहारी के लिए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये पाकिस्तान बस अब ऐसे ही हो गया, यहाँ कुछ नहीं पता इंसान का, गैस का, बिजली का, पानी का, कुछ नहीं पता। उस दिन स्टू बनाया था, कहें कि जब भी मैंने पका के रात को रख दिया, आपका आटा ना जल जाए। सहरी में हमें मिल रही है फ्रेश फ्रेश निहारी। बेचारा मन भर में बड़ा वेट किया, हाँ ना, जो दुख हो रहा है।
कह रहे दादा दोपहर तक बाइकिया में भेज देना, बाइकिया में भेज देना, इंतजार कर करके चले गए। चलो भाई नॉर्मल बाइकिया में पड़ोस पर आते भाग के वो क्या कहा जितनी देर में जाऊँ लाना है उतनी देर में खा लूंगा खा लूंगा। और अभी कुछ जाते में खा लेंगे। आयाना जल्दी सोचो बेटा, बच्चे हो गए हैं बिल्कुल जीरो, इनकी बैटरी हो गई है डाउन। सुबह क्यों उठे हुए नहीं लो। चलो बच्चा पार्टी जल्दी से। इन लोगों की पहली सहरी हो रही है आयाना रोहान की, आज घर में एक भी सहरी नहीं हुई। मेरे भी पहली सहरी। वेरी गुड, क्योंकि कल छुट्टी है, कल खाला की रोजा खुश आई है। मेरी बेची प्लेट लेके खड़ी है अभी। अच्छा 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 कोई बात नहीं। चले जी भाई अब करते हैं हम लोग सैरी। 2000 years later मिरल कहाँ कर ली है मिरल बेबी, वक़्त है घूमिए वक़्त है। यहाँ पे चल रही है नमाज असर की, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और अफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं। अम्मी बना रही हैं फ्रूट चाट और बन रहे हैं दही बड़े। कौन आ रहा है? मीठे दही बड़े बना रही हूँ। मीठे छोटे बड़े, मीठे छोटे बड़े, छोटे छोटे क्यों? मतलब ये दही बड़े होते हैं ना, ये हैं दही छोटे। अच्छा छोटे दही बड़े बन रहे हैं हमारे यहाँ। हटा रही आराम से हटा लेना। इसे आसिफी के हसद से शरीरों के शर से महफूज फरमा, हमारे वसीम भाई को सेहत आफियत अता फरमा, आमीन। यहाँ चल रही है जोरों शोर से रोजे की तैयारी, दुआ हो रही है। सब बच्चे बैठ चुके हैं, दस्तखान लग चुका है। अरे नीचे बैठ के दुआ मांगो। मैनी वराइटीज पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। यहाँ क्या बन रहा है? शरबत। जल्दी 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 करो, रोज़ा खुलने वाला है। आ जाओ ना, आओ रोज़ा अफ्तार करें। आ जाओ, दुआ का बिल्कुल टाइम हो चुका है, रोज़ा अफ्तार हो रहा है, सब दुआ मांग रहे हैं। रेहान खजूर देते हुए आ जाओ, अजान होने वाली है अभी, अभी टाइम है, दुआ करो अभी पहले। चाट पकौड़े समोसे दही बड़े, उसमें क्या है? छोले, छोले और उसमें क्या है? मैक्रोनी। नमाज टाइम। चाय पियो भाई, चाय टाइम हो गया। चलो आ जाओ भाई बैठो, चाय तुम्हारी तो ये ना क्या हुआ वाली तो कम ये तो खा लिया था बिल्ली खा ली। अरे बाप रे घर पे तो डालो बेटा, पीछे से खींचे हां यहां से। हां गुड वाओ। अरे थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू। चल चल दो। अरे हमने शूज रखी जगह पर, क्या शूज रखे उठा के यहाँ पे। सेकंड तैयारियां, पकोड़े समोसे, यहाँ पे बन रही है बिरयानी, कैसे खुल गई। ये हो रहे हैं पेटी पॉक्स, अंदर बच्चे बैठे हैं दुआ मांग रहे हैं। चलें जी, ये है मेरे 3 दिन की रूटीन जो कि मैंने अपने घर से शुरू की थी और अम्मी के घर पे एंड की है। तो यहाँ पर मैं जा रही थी अपनी बहन के साथ हैदरी मार्केट, ग्रीन बस में मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया बैठ के, बहुत अच्छी बस निकाली है, बहुत सुकून की, लग ही नहीं रहा था कि हम कराची में घूम रहे हैं।
तो यहाँ पे अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।